मनीषा रानी का स्वैग, हाथ में क्रिकेट का बल्ला, हाथ में खेल की बॉल। भाई बिग बॉस ओटीटी 2 में अपना जलवा दिखाने वाली मनीषा रानी बन गई हैं खिलाड़ी। हाथ में बल्ला और गेंद उठाए लोगों को सिखा रही हैं खेल खेलने के गुर, करा रही हैं फोटोशूट, कर रही हैं डांस। तो क्रिकेट को कैसे मजेदार बनाया जाए ये गुर बताने में लगी हुई है मनीषा रानी। ये नजारे हैं एक खेल और कूद वाले ऐप के कैंपेन शूट के, जहां पर मनीषा रानी शूट कर रही हैं इनका कैंपेन, जहां पर वो बैट बल्ला उठाए क्रिकेट के मौसम में रंग गई हैं। भाई पूरा देश क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ है और भारतीय टीम को चीयर करने के लिए और लोगों को इस खेल के साथ जोड़ने के लिए मनीषा रानी ये कैंपेन शूट कर रही हैं। भाई इसके लिए उन्होंने कराया फोटोशूट, जहां पर दो दो लुक लिए, एक था कैजुअल नेक्स्ट डोर लुक और दूसरा था ये स्पोर्टी क्रिकेट वाला लुक। Invest. पहले हेवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो, फिर मार्केट स्टेटस का वेट करो। 1000 प्लस कैसीनो गेम्स हैं, जैसे कि अंदर बाहर तीन पत्ती, लकी सेवन और 200 प्लस लाइव स्पॉट्स भी हैं। आप भी अपने डिसीजन खुद लो और sgbet365.live पर रजिस्टर करो बिना कोई डॉक्यूमेंट के और अभी से खेलना शुरू करो। हाँ तो एक्चुअली मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ, बट हाँ क्रिकेट तो एक फेस्टिवल की तरह है हमारे इंडिया के लिए, स्पेशली बॉयज़। तो जैसे मेरे भाई लोग भी जब क्रिकेट का टाइम आता है तो वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के क्रिकेट देखते हैं, और मैंने भी इस बार थोड़ा देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया जीता है। स्पोर्ट्स एक एनर्जी देता है, और अगर आप जितने भी लो फील कर रहे हैं, अगर हाथ में बैट आ गया और बॉल आ गया तो उसके बाद तो आपको लगेगा कि हाँ खेल ही लेते हैं, कुछ कर ही लेते हैं। भाई कहते हैं खेल के मैदान में चीयर लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, और मनीषा आज चीयर लीडर बनकर खुद क्रिकेट के गेम को बना रही हैं मजेदार और डाल रही हैं अपनी ग्लैमर और चटपटे और तीखेपन का तड़का। देखते हैं मनीषा रानी के इस खेल खुद भरे फोटोशूट के खास नजारे। सबसे पहले बैट के साथ कुछ पोजेस, इसके बाद बॉल के साथ पोजेस, इस खेल से जुड़ने के लिए जो तरीके हैं उनके साथ पोजेस, कुछ और फोटोशूट, कुछ और पोजेस, और इस तरह खत्म हुआ मनीषा रानी का ये खेल भरा फोटोशूट। तो भाई बिग बॉस में तो मनीषा का खेल हमने देखा, लेकिन क्रिकेट के खेल से मनीषा कितना इत्तेफाक रखती हैं आइए जानते हैं। बिहार की शान, ईशान ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, तो बिहार छा रहा है। पहले आपने नाम रोशन किया और अब ईशान आ गया, तो क्या कहेंगे बिहार की शान ईशान के बारे में? बिहार हर चीज़ में टॉप कर रहा है, चाहे वो एक्टिंग में हो या फिर क्रिकेट में हो, और नो डाउट जो बिहार की शान ईशान ने जिस तरह से खेला है मुझे बहुत अच्छा लगा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बस हम लोग MS धोनी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स MS धोनी तो MS धोनी है, लेकिन फिर भी जो और भी बाकी जितने भी प्लेयर ने खेला है मुझे बहुत अच्छा लगा है, और स्पेशली ईशान क्योंकि बिहार से है तो एक कनेक्शन हो जाता है ना, बिहारी बिहारी। बिहार में भी लड़के इतने क्रेजी रहते हैं क्रिकेट के लिए? बिहार में कुछ ज़्यादा ही, वहाँ तो घर गली मोहल्ले छत पे लोग खेलते हैं, अगर ग्राउंड नहीं भी मिला, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे भाई लोग छत पे खेलने लगते हैं, क्योंकि बिहार में घर भी थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो क्रिकेट का क्रेज़ हर जगह पे है। और बिहार में भी मुझे लगता है गाँव में भी, छोटे छोटे शहर में भी लोग जहाँ भी मौका मिल रहा है, लाइक
गार्डन हो गया, छत हो गया, हर जगह पे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि मेरे भाई लोग ही खेलते हैं तो मुझे पता है कि हाँ क्रिकेट का क्रेज़ और सब पे ऐसे दीवानगी छाई रहती है, स्पेशली लड़कों पे। वैसे आजकल इस खेल वाले कैंपेन शूट के अलावा मनीषा अपने नए म्यूजिक वीडियो को लेकर भी बहुत एक्साइटेड है, जो कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 42 के विजेता एल्विस के साथ आ रही है। थिंक एल्विशा फैंस तो पागल ही हमारे लिए, जो मेरा और एल्विस का हैशटैग है, और अभी हमारा आई थिंक 4-5 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस होने वाला है टीज़र, तो मुझे लगता है ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि लोग को हम लोग ऐसे भी पसंद है बिग बॉस से, तो और गाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सबको पसंद आने वाला है। इसी के साथ उनका एल्बम नजर ना लगे काफी हिट रहा, यहाँ तक कि परिणीति चोपड़ा की शादी में भी इनका ये गाना खूब बजा। रिस्पॉन्स मिला आई थिंक उस पर अभी तक बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रील्स हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये शादियों का सॉन्ग है तो शादियों में ज़्यादा प्ले होगा, लेकिन रील्स भी इस पर बहुत ज़्यादा बन रहा है। और जो भी लाइक परिणीति चोपड़ा का शादी हुआ था, तो उसमें भी मैंने देखा कि सारे रील्स पे उनके सॉन्ग में भी हमारा ही सॉन्ग चल रहा है, उनके वीडियो में भी, तो हर जगह पर ये सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। और जमुना पार भी हमारा 5 लाख से ज़्यादा रील्स उस पर बन चुके, इस पर बन चुके हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिग बॉस के बाद मैंने जो भी म्यूज़िक वीडियो किया सबका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो भाई खेलों के इस मौसम में मनीषा रानी भी रंग गई हैं क्रिकेट के रंग में, तो मनीषा की तरह आप भी इस बार क्रिकेट के मौसम में रंग जाइए और एंजॉय कीजिए खेल का, और बन जाइए मनीषा के साथ इस खेल का हिस्सा। मनीषा रानी हैशटैग वन पीस है, नो वन कैन रिप्लेस मनीषा रानी, शायद मनीषा से अच्छी या मनीषा से नहीं, मनीषा जैसी नहीं हो सकती कि जो इतना प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मनीषा रानी एंड कीप लविंग। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां। और बस हम तो माता रानी से आज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें।